कुंबुरना में खेत में कपास चुनने के कार्य पर गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। बाघ का बंदोबस्त करने की मांग संतप्त ग्रामीणों ने उठाई है। जिले में शीतकाल में बाघ के हमले की घटनाएं बढ़ने से चिंता जताई जा रही है। चंद्रपुर जिले में बाघ की दहशत बदस्तूर जारी है। अभी कुछ दिन पहले सावली में घटना हुई थी, वही कल पोंभुरना में बाघ के हमले में एक महिला की मौत का गंभीर मामला सामने आया है। पोंभुरना तहसील के कवीट बोड़ी खेत परिसर में कपास चुनने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया है। कसरगट्टा बीट में हुई इस घटना में बेबी बाई हनुमान धोड़रे इस महिला की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार सर्वे नंबर 55 में गंगाराम धोड़रे का खेत है, जहां पट्टेदार बाघ शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था। इस घटना से गांव में दहशत का माहौल है। नागरिक राघवेंद्र धोड़रे ने इस संबंध में बताया, आज दुपारी 2 वाजता श्री हनुमान धोड़रे यांच्या शेतामध्ये बाघ येऊन त्या बाई कापूस वेचत असताना तिच्या मागून पाठी मागून येऊन धुमाकूळ घालून तिला पिळडून पाडण्यात आले आणि तेवढ्यात ती बाई एका इसमाला, इसम म्हणजे तो सुधाकर मडावी यांना मेलो बापा म्हणून आवाज दिली। तो इसम इथं त्या बाईसमोर येऊन पाहताच तो वाघ त्या बाईला पाडून तो बसून होता तिथं। हा येणारा इसम श्री सुधाकर मडावी त्यांनी पाहिल्याबरोबर ते वापस पडून गेला। पडाला म्हणजे कसा तो पडाला, तो आल्यानंतर त्या तो वाघ उठून पिसाळून त्याच्या मागे धावायला लागला तेव्हा तो पडाला। ह्या परिसरामध्ये कदाचित मला वाटते 15 ते 20 दिवस धुमाकूळ चाललेला आहे। याच्या अगोदर 2 ते 4 म्हशी गाई बैल त्यांनी हत्या केलेली आहे। एवढे असूनसुद्धा वनपरिक्षेत्राने याची दखल घेऊन नसल्यामुळे याची दखल ह्या 2 दिवसामध्ये त्याची पिंजरा लावून विल्हेवाट करावी आणि इथे जे लेबर लोक येतात कापूस वेचण्यासाठी, काही कामगार येतात कोणत्याही कामासाठी, ते आता ते येऊन येणे शक्य नाही आहे। तरी माझी अशी विनंती आहे वनपरिक्षेत्राला का हे 2-3 दिवसामध्ये पिंजरा लावून त्या वाघाचा बंदोबस्त करावा। मृतक बेबी बाई के परिवार पर इस घटना से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें तत्काल सहायता की मांग हो रही है। पोंभुरना से हमारे संवाददाता विकास शेड़मा की रिपोर्ट।